कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे शहर में लॉकडाउन किया गया है। वहीं शराब तस्कर इसका फायदा उठाते हुए शराब को महंगे दामों में बेच रहे हैं। गुरुवार को भगवानगंज पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश यादव ने सांसी बस्ती में दबिश देकर अवैध हथकड़ कच्ची शराब बेच रहे शराब तस्कर रमेश पुत्र श्यामलाल को 20 लीटर हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर को आज न्यायालय में पेश किया गया। कल रात्रि शाम के समय करीब 7:15 बजे सूचना मिली थी, सांसी बस्ती के अंदर एक व्यक्ति कच्ची शराब लेकर के बेचने के लिए बैठा हुआ जरीकन के अंदर। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा व सीओ साहब द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी के आदेश की पालना के अंदर कल सांसी बस्ती के अंदर गश्त मिली उसी टाइम रेड की गई, तो सूचना के मुताबिक एक व्यक्ति 20 लीटर का कच्ची शराब से भरा हुआ जरीकन लेकर के पाया गया। गणेश पुत्र श्यामलाल जिसको मौके पर गिरफ्तार किया गया, उक्त व्यक्ति पूर्व में भी शराब की तस्करी के संबंध में गिरफ्तार हुआ है। ये लोग आए दिन ऐसी सांसी बस्ती के अंदर अभी शराब की सख्ती होने के कारण और बेरोजगार होने के कारण इन लोगों ने कच्ची शराब की भट्टियाँ लगा लगा करके शराब का निर्माण कार्य शुरू कर रखा है, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गणेश पुत्र श्यामलाल को कल गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इसी तरह नसीराबाद थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में नसीराबाद निवासी महिपाल सिंह राजपूत को इंडिगो कार में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिपाल सिंह के कब्जे से 34 बियर की बोतलें जब्त की है। शराब तस्कर के खिलाफ नसीराबाद पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।